जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने ये चाय पिलाने का सिस्टम रखा है, चाय पे सबको बुलाया है। सबसे हम मुखालते हो रहे हैं चाय पे चर्चा के लिए। आज माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत का सीना चौड़ा हो गया है माननीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। पहले हमारे भारत देश को और देश विदेश के लोग हीन भावना से देखते थे। आज आपने देखा होगा G20 में जिस तरह से हुई दिल्ली में, तो हमारे माननीय मोदी जी के पीछे पीछे अच्छे अच्छे देशों के प्रधानमंत्री चल रहे थे। ये मोदी जी हैं, मोदी जी है तो सबको मुमकिन है। जब मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने, किसी ने सोचा नहीं था कि इतना काम और विकास होगा, भारत देश कहाँ पहुँचेगा। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, गरीबों को कैसे लाभ मिले, उनको दिलाने का सपना अगर पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गरीबों के लिए आवास योजना के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, आयुष्मान भारत के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, जनधन योजना के माध्यम से, बहुत सी ऐसी योजनाएँ हैं जो माननीय मोदी जी ने हमारे दीनदयाल जी पंडित जी का सपने को साकार किया है। पूरे देश में विकास के साथ साथ हमारे देश को जो गौरव प्रदान हुआ है, भारत देश हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। उस चाय के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक कार्यकर्ता, चाय पिलाने वाला, चाय बेचने वाला कार्यकर्ता इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जितने जो आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज जैसा कि आप सभी को पता होगा, देश की जो हमारी संसद है, जो नई संसद का आज जिस तरह से लोकार्पण हुआ, हमारे माननीय रामनाथ कोविंद जी ने जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनने उसका उद्घाटन भी किया है, उस पर ध्वज लगाया है, हम सबको गर्व की बात है। माननीय मोदी जी के लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि मोदी जी की हजारों साल की आयु हो और इसी तरह से भारत देश में विकास हो और भारत देश का जो परम वैभव है पूरे विश्व में, हमारी शान जिस तरह से मोदी जी ने की है पूरे भारत देश की किसान, इसी तरह से भारत का डंका पूरे विश्व में बजता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे देश के माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज मोमो चाय सभी को बांटी जा रही है। सबके अंदर बहुत ही उत्साह है, सारी यहाँ की जनता बहुत खुश है। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के बारे में मैं ये बोलूँगी कि आज जो उनने काम किया है पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने का, उनका नाम एक इतिहास में रचा जाएगा। और जो उनने हर गरीब जनता को, एक कोने में खड़े हुए तबके के लोगों को ऊपर उठाया है, तो उनके इस जन्मदिन, उनके इस जन्मदिन के अवसर पर मैं सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और माननीय मोदी जी, मैं सादर प्रणाम।